हेलो गाइस, वेलकम इन थ्योरम वाले बाबा। आपको प्रोडक्ट देख के तो पता चल गया होगा, आपको पैकेट देख के तो पता चल गया होगा आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम फिर से करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, ठीक है, आइटम की। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा कटर, इसको अनबॉक्स करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है एक, देख हमारे पास ये है बोया का M1 माइक। ये एक बहुत ही अच्छा और टिकाऊ माइक है यूट्यूबर के लिए। अब करते हैं इसको अनबॉक्स, मैं आपको दिखाऊंगा क्या है बॉक्स कंटेंट, ठीक है, और इसको हम टेस्ट भी करेंगे। तो गाइस, इस पर लिखा गया है सुपर साउंड फॉर प्रेजेंटेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। मतलब कि आप अगर ऑफिस में काम करते हो और आपको प्रेजेंटेशन देना है तो ये माइक आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसमें लिखा है कि आप इसको आप स्मार्टफोन, कैम रिकॉर्डर, DSLR, ऑडियो रिकॉर्डर, PC सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हो। और बढ़ते हैं, इसमें आपको पीछे मिल जाएंगे सभी फीचर। इसमें पहला फीचर वही है जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, ठीक है, और इसमें है लो हैंडलिंग नॉइस, ठीक है, मतलब कि आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइस आता है तो ये नॉइस बहुत कम कर देता है, ठीक है। और इसके बॉक्स कंटेंट है एक लैपेल क्लिप दी गई है, आपको क्लिप होती है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। और LR44 बैटरी दी गई है, ठीक है इसमें। और चलिए, अब इसकी प्राइस दी गई है हमें गाइस, इसकी प्राइस दी गई है 1995, आपको प्राइस दिख रही होगी, ठीक है। अब चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या क्या है बॉक्स कंटेंट। सो गाइस, ये इसके बॉक्स कंटेंट पहले मिल जाता है ये माइक इस थैली के अंदर, एक लेदर की ये थैली है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है। ऊपर मिल जाता है आपको बोया कंपनी का नाम, ठीक है, ये कुछ वारंटी कार्ड है और ये हमारे कुछ चीज़ का नहीं है, ये इसकी गाइड है। और हमें पता है कि हम गाइड का यूज़ करते नहीं है, तो ये दोनों हटाते हैं और मेन प्रोडक्ट पर आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपको कैरिंग केस दिया गया है, अगर आप बाहर इसको ले जाते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस माइक को कैरी कर सकते हो, ये बैग ले जाइए, ये बहुत अच्छा, इसमें में कोई बात लगी। अब चलिए बॉक्स को भी अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या मिल जाए। तो ये कुछ पन्नी में हमारा, और ये हमारा मेन माइक, ये एमरजेंसी केस के लिए है। मान लीजिए गाइस, आपका कोई कैमरा दूर है और आप भी कैमरा से दूर हो तो ये वायर तब काम आती है, ठीक है। अब आपको पता होगा ये वायर कैसी है, ठीक है, ये इसका माइक्रोफोन है, ठीक है, ये इसकी क्लिप है जो मैंने आपको बताया था, ये कौन सी है, लेपल क्लिप, ठीक है। और इस ये इसका कवर है और ये इसमें एक बैटरी आती है, ठीक है, LR44 बैटरी, ठीक है। तो चलिए इसको भी ओपन करते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और ये बैटरी को भी ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, ये है हमारे पास बॉक्स कंटेंट, ठीक है, जो इसके अंदर है, ठीक है। ये माइक, ये इसका कवर, ये इसकी क्लिप और एक LR44 बैटरी। तो अब मैं बताता हूँ इस ये बैटरी आपको लगानी के कहाँ पर है और क्यों लगानी है। मान लीजिए गाइस, आप कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, तो कैमरा वाले सिस्टम में देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इस माइक्रोफोन में दो मोड है, एक मोड है कैमरा का और एक मोड है स्मार्टफोन का, ठीक है। मान लीजिए आप कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप ये स्विच है वो ऊपर कर दीजिए, ये बटन को ऊपर कर दीजिए, ठीक है, तो आप इससे कैमरा से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और मान लीजिए आप स्मार्टफोन से कर रहे हो तो इसको नीचे कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हो तो कैमरा पे तो ऊपर करो, और कैमरा से आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको ये बैटरी लगानी पड़ेगी। तो बैटरी का एक सेक्शन है यहाँ पर, ऐसे आप खोल लीजिए इसको, ठीक है, और आपको ये कंपार्टमेंट मिल जाएगा
और इसमें देखिए गाइस, ये प्लस का साइन है, मेरे को पता नहीं कि आपको दिख रहा है या नहीं, ठीक है, ये प्लस का साइन है इसके बीच में, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन है, ठीक है, तो प्लस को साइन को आपको इस तरफ रखना है, तो आप सीधे इसको एंड इसको इस पे घुसा दीजिए। तो गाइस मैंने इसकी बैटरी इसमें इंसर्ट कर दी है, ठीक है, और ये तो है कैमरा मोड, ठीक है। अब मान लीजिए आपको स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको बैटरी की आवश्यकता नहीं है, आप ये जैक है 3.5 mm जैक है, इसको आप अपने फ़ोन में घुसाइए और वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए गाइस इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। ये बात आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, इसका हम टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो आप टेस्ट करने के लिए आप इसका जो कवर है वो इसमें घुसा दीजिए, ठीक है। अच्छे से घुसाइएगा गाइस, मैंने इसका कवर इसमें घुसा दिया है, ठीक है। अब इसकी बात, अब इसकी क्लिप लगाना है, तो क्लिप में आपको ये वाला सेक्शन दिख रहा होगा, तो आप ये वाली क्लिप है इसको ऐसे खुद लगा दीजिए, एक कट सी आवाज़ आएगी और ये आपका फिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका पूरा फिट विट सब कर लिया, अब बात है इसकी टेस्टिंग की, ठीक है। अब जो आपको आवाज़ सुनाई देगी अब इसकी होगी, ठीक है। तो गाइस कैसी लग रही है आपको इस माइक की आवाज़, आशा करता हूँ आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट मंगाना है तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करिए और इस प्रोडक्ट को आप मंगा सकते हैं, आपको अगर मंगवाना है तो, ठीक है। गाइस आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसकी आवाज़ कैसी लग रही है, और आप मेरे को ये भी बताइएगा इसका गिव अवे होना चाहिए या नहीं, ठीक है। मैंने इसका गिव अवे अभी सोचा नहीं है करूँ या नहीं करूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको ये गिव अवे में चाहिए या नहीं चाहिए, आप बोलिएगा यस तो यस, नो तो नो, ठीक है। तो गाइस मैं आपसे एक शिकायत कहना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे से आपसे एक शिकायत है, ठीक है। आप मेरे वीडियो को तो देख लेते हो ना, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते ना, वीडियो को लाइक करते, अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप लाइक करते हो तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है, व्यूअर को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने से हमारी फैमिली ग्रोथ होती है, ठीक है। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अगर नहीं लगती डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए गाइस टाइम आ गया है इस वीडियो को एंड करने का, ठीक है। आप अपने राय मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसका गिव अवे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको गिव अवे चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। और ये भी बताना कि आपको ये माइक कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे अहेड।